हेलो फ्रेंड, नमस्कार। लास्ट लेक्चर में जैसे मैं आप लोगों को फीड सर्किट्स के बारे में बताया था, फीड सर्किट्स बोले तो मीटर इन मीटर आउट और ब्लेड अप सर्किट के बारे में बताया था, उसके एप्लीकेशंस, उसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो आज मैं आपको रैपिड एडवांस टू फीड सर्किट्स, मतलब फीड करने के पहले जो हमारा इक्विपमेंट फास्ट चलता है, फास्ट ऑपरेशन जो होता है या रिटर्निंग में जो फास्ट आता है, जिससे कि हमारा टाइम सेविंग होता है, बेसिकली मास प्रोडक्शन में या जहाँ टाइम की बचत करनी होती है वहाँ पे ये सर्किट यूज होता है। तो इस आज का जो टॉपिक है रैपिड एडवांस टू फीड सर्किट, मोस्टली तीन टाइप्स होता है और तीनों टाइप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये क्या है, थ्री मेथड्स ऑफ मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम रैपिड एडवांस टू ए स्लोअर फीड स्पीड इन ए मीटर आउट सर्किट आर एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे ये फिगर में दिखाया हुआ है रैपिड एडवांस टू फीड सर्किट्स। एक ये है एग्रेशन कंट्रोल वाल्व के थ्रू है, ये आपको डिसलेशन वाल्व के थ्रू है और एक चेक वाल्व के थ्रू है, डबल सोलनॉइड चेक वाल्व के थ्रू है। तो तीन टाइप से हम ये कर सकते हैं, तो इसी को हम आज डिटेल में बताएंगे। जनरली ये मशीन टूल्स में यूज होता है, कहीं कहीं जहाँ पे टाइम सेविंग होता है, जैसे हमने देखा था कि स्क्रू डाउन मैकेनिज्म था तो लोअर चोक को डाउन करने के लिए ऐसा सर्किट था, जो क्या होता था कि जब रोल को जब डाउन करना रहता था तो पहले फास्ट ऑपरेट होता था और जब फास्ट ऑपरेट होने के बाद एक लिमिट कट होता था, लिमिट कट होने के बाद वो स्लो हो जाता था, जिससे कि टाइम सेविंग होता था। वहाँ पे ये सर्किट यूज होता है, मशीन टूल्स में होता है, जैसे पीएमसी मशीन से अगर बाई चांस पाइप का थ्रेडिंग करना है, बेबलिंग करना है, तो क्या होता है कि स्पिंडल जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आते हैं तो फास्ट आता है, फास्ट आने पर फीड करना होता है तो स्लो हो जाता है, तो वहाँ पे भी ये सर्किट हो जाता है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, इन वी वे द डिसलेशन वाल्व इज पाइप्ड इन पैरेलल विद ए मीटर आउट फ्लो कंट्रोल ड्यूरिंग रैपिड एडवांस एग्जॉस्ट फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर रॉड एंड पासिस फ्रीली थ्रू द डिसलेशन वाल्व। व्हेन द कैम क्लोजेज द डिसलेशन वाल्व द ऑयल मस्ट टेक द अदर पाथ थ्रू द फ्लो कंट्रोल टू रिट्रैक्ट द सिलेंडर ऑयल इन टू द रॉड एंड फ्लोज फ्रीली ओवर द चेक वाल्व इन द डिसलेशन वाल्व। अब देखिए ये इसको समझा देते हैं आपको। अभी देखिए एक सर्किट में पंप मोटर एक रिलीफ वाल्व पैरेलल में डाला हुआ है, 1 2 3 3 पोजिशन डबल सोलनॉइड वाल्व डाला हुआ है जिसका नॉर्मल पोजिशन ओपन है, एक सिलेंडर है, डी सिलेंडर है, ये हमारा प्रेशर टेम्परेचर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल है, क्योंकि आउट में लगा हुआ है, आयल इधर से जाएगा तो आउट में जाएगा तो आउट का कंट्रोल करेगा, इसे मीटर आउट नाम है। अभी आप देखें कि इसके साथ एक डिसलरेशन वाल्व लगा हुआ है और सिलेंडर के साथ एक कैम लगा हुआ है, जब ये सिलेंडर आगे बढ़ना शुरू होगा, जब सिलेंडर आगे बढ़ना शुरू हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कैम आके इसको दबा देगा जब नॉर्मल कंडीशन जब आगे बढ़ना शुरू होगा, तो अभी सिलेंडर की स्पीड के लिए क्या है, पहले तो हमें इधर से ऑयल जाना है, इधर से ऑयल भरना शुरू करना है और इधर से ऑयल निकलना है। तो जब हम नॉर्मल पोजिशन में इसको हम आगे बढ़ाना शुरू, जब हमें फिट करने के पहले जो रैपिड एडवांस में क्या होगा, जैसे ही ये हमारा ये पोजिशन लेगा तो पंप का फ्लो जो है ऑयल इधर से होते हुए इधर को भरने लगेगा, उस कंडीशन में जो इधर का ऑयल है उसको निकलना है, तो जब आगे बढ़ेगा तो बढ़ते समय जो इधर का ऑयल जब निकलना शुरू होगा तो ऑयल निकलने के लिए एक रूट ये है और एक रूट ये है, ये डबल दिखा मैंने, बोथ वे जा सकता है, इधर से जा सकता है। तो जैसे ही हमारा ये सिलेंडर आगे बढ़ता है, ये हमारा जो कैम है, कैम आके इसको प्रेस करता है, जब प्रेस करता है तो जैसे जैसे प्रेस करना शुरू होता है वैसे वैसे इसका स्पीड स्लो होना शुरू होता है, एक कंडीशन ऐसा होता है ये कंप्लीट आइसोलेट हो जाता है। अभी देखिए इसके पैरेलल में एक चेक वाल्व डाला होता है, इधर से तो फ्लो आएगा नहीं, तो जब इधर से फ्लो आना बंद हो गया ये तब होता है जब ये आके ये वाला पोजिशन जाके इसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है, तब जाके ये बंद होना शुरू होता है, तो उस कंडीशन में ऑयल का फ्लो हमारा इधर से होते हुए और ये टैंक में जाना शुरू होता है। तो चूंकि हम कंट्रोल कर रखे हैं, ये ऑर्फिस है, ये वेरिएबल ऑर्फिस है, तो जो हम स्पीड यहाँ पे सेट करते हैं उसी स्पीड से हमारा ऑयल निकल के टैंक में आए, जिससे थ्रेडिंग करना हो या बेबलिंग करना हो तो ज़्यादा फीड ना हो, थ्रेड की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए ये काम करता है। तो इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, रैपिड एडवांस टू फीड सर्किट यूज डिसलरेशन वाल्व, ये डिसलरेशन वाल्व है। डीसी वाल्व ए इज शिफ्टेड टू डायरेक्ट फ्लो इन टू हेड एंड ऑफ द सिलेंडर डी, डिस्चार्ज फ्रॉम द रॉड एंड ऑफ डी फ्लो थ्रू नॉर्मली ओपन डिसलरेशन वाल्व बी इन फ्रीली टू टैंक थ्रू ए फॉर रैपिड एडवांस थ्रू ए, मतलब जब ये आगे बढ़ता है तो इधर का ऑयल फ्रीली इधर से होते हुए और ये टैंक को फ्रीली आता है, तो चूंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसलिए फ्री आता है। एट
एंड ऑफ रैपिड एडवांस काइम ऑफ डी डिप्रेसेस स्पूल ऑफ बी क्लोजेज द, जैसे आता है तो इसको बंद करना शुरू करता है, तो समय क्या होता है डिस्चार्ज फ्रॉम रॉड एंड ऑफ डी इज देन मीटर्ड बाई फ्लो कंट्रोल। अब चूंकि ये बंद हो गया, अब रास्ता नहीं है, तो आने का रास्ता आयल निकलने का रास्ता क्या ये है, तो जो हमने यहाँ पे सेटिंग किया है वही सेटिंग के हिसाब से ये फिर आगे बढ़ना शुरू होगा। तो जो भी हमें प्रिसीजन वर्क करना होगा वो हम कर लेंगे। तो इसमें देयर मीटर फ्लो कंट्रोल सी रॉड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम रॉड एंड ऑफ डी इज देन मीटर्ड बाई फ्लो कंट्रोल सी फॉर द फीड स्ट्रोक। वाल्व ए इज रिवर्स टू डायरेक्ट फ्लो थ्रू इंटीग्रल चेक वाल्व और बी फ्रीली इनटू रॉड एंड ऑफ डी फॉर रैपिड रिटर्न। ये तो आगे बढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए काम खत्म हो गया, थ्रेड कट गया या बेबलिंग हो गया, तो उसके बाद अगर हमको पीछे आना है तो पीछे में हमको टाइम सेविंग करने के लिए क्या होगा कि जब ये पोजिशन लेगा तो आयल हमारा इधर से होते हुए फ्रीली इसमें आके भरेगा और इसको पीछे आएगा, जिससे हमें फास्ट पीछे आएगा। उसमें आयल इधर से भी आएगा लेकिन इधर से आयल का क्वांटिटी कम रहेगा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इधर से फ्री फ्लो होता है, तो इसमें रैपिड रिटर्न हमको मिल जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड पर, रैपिड एडवांस टू फीड यूजिंग डायरेक्शनल वाल्व। अब हम एक डायरेक्शनल वाल्व यूज करके हम रैपिड एडवांस कैसे कर सकते हैं फीड के पहले, वो बताया है। इन व्यू पैरेलल फ्लो पाथ अराउंड द फ्लो कंट्रोल वाल्व इज थ्रू ए स्प्रिंग ऑफसेट सोलेनोइड ऑपरेटेड डीसी वाल्व। अभी देखिए इसमें हमने और डीसी वाल्व डाल दिया है, टू पोजिशन डीसी वाल्व है, सिंगल सोलेनोइड वाल्व है और स्प्रिंग रिटर्न है। इसमें क्या है, इसके पैरेलल में जो हमें जा रहा है, एक हमने जो हमारा ये फ्लो कंट्रोल लगा, फ्लो कंट्रोल के पैरेलल में हमने एक ये डीसी वाल्व लगा और यहाँ पे एक हमने लिमिट डाल दिया है, लिमिट डाला है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, तो उसी को हम एक्सप्लेन किए हैं। इसमें देखिए बता रहे हैं, दिस वाल्व अलाउ स्प्रिंग ऑफसेट सोलेनोइड ऑपरेटेड वाल्व। इन व्यू बी द पैरेलल फ्लो पाथ अराउंड द फ्लो कंट्रोल वाल्व इज थ्रू ए स्प्रिंग ऑफसेट सोलेनोइड ऑपरेटेड डीसी वाल्व। दिस वाल्व अलाउज फ्री रिटर्न फ्लो सो लॉन्ग एज इट्स सोलेनोइड इज एनर्जाइज्ड। व्हेन द फीड पोजिशन इज रीच्ड ए लिमिट स्विच इज ट्रिप्ड एंड ब्रेक्स द सोलेनोइड सर्किट्स। द डीसी वाल्व शिफ्ट्स टू ब्लॉक एग्जॉस्ट फ्लो विच मस्ट देन गो थ्रू द फ्लो कंट्रोल। ए सेपरेट चेक वाल्व इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री फ्लो इनटू द सिलेंडर फॉर ए रैपिड रिटर्न स्ट्रोक। लीकेज पास्ट द स्लाइडिंग स्पूल ऑफ द डिसलेशन वाल्व शोन इन व्यू ए एंड द डीसी वाल्व इन व्यू बी वुड इफेक्ट द फीड रेट। व्यू ए बी में जो लीकेज होगा स्पूल से, पास्ट द स्लाइडिंग स्पूल ऑफ डिसलेशन वाल्व शोन इन लीकेज पास्ट द स्लाइडिंग स्पूल ऑफ द डिसलेशन वाल्व शोन इन व्यू ए एंड द डीसी वाल्व इन व्यू बी वुड इफेक्ट द फीड रेट। अब देखिए, अभी जैसे हमको इसको आगे बढ़ाना है तो यहाँ एक लिमिट लगा हुआ है, जब हमको इसको आगे बढ़ाना है तो जब फास्ट जाएगा तो जब भी इसको सोलेनोइड का सप्लाई जाएगा तो उस समय क्या होगा, इधर भी सप्लाई आ जाएगा। जैसे एनर्जाइज होगा ये आयल आके हमारा इधर से होते हुए अभी बाई चांस जैसे हमको इसको फास्ट ऑपरेट करना है, फास्ट ऑपरेट करते समय क्या होगा कि सिलेंडर से ये एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होते समय ये आयल हमें इधर से होते हुए इधर भरेगा, उस समय इधर का आयल निकलना है। तो आयल जाने का क्या क्या रूट है, एक रूट ये है लेकिन ये बंद है, ये चेक वाल्व तो भी बंद है। तो अभी जब आयल जब इधर से भरना है तो जब स्टार्ट करेंगे तो या तो इधर से जाएगा, अगर साथ साथ ये एनर्जाइज हो गया, जैसे ही ये इधर से फीड मिला तो प्रोग्रामिंग से ये एनर्जाइज होगा, तो क्या होगा जब ये एनर्जाइज हो तो ये हमें आके यहाँ से जुड़ जाएगा और ये टैंक में जाने लगेगा। तो क्या होगा जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये फास्ट ऑपरेट होना शुरू होगा, लेकिन देखिए इसके साथ क्या है और यहाँ पे एक लिमिट स्विच है, जैसे ही लिमिट स्विच कट होते हैं क्या होगा कि ये डी एनर्जाइज होकर इस पोजिशन में आएगा, मतलब इधर से आयल निकलना बंद हो जाएगा। अब रूट क्या बचा, ये तो ये चेक वाल्व इधर से नहीं जाएगा, एक रूट ये बचा, ये प्रेशर टेम्परेचर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल है, ऑर्फिस है, वेरिएबल ऑर्फिस है। तो जब जो भी सेटिंग हमारा से यहाँ से हुआ, चूंकि अब इधर से नहीं जाएगा, जब डी एनर्जाइज हो गया तो इधर से नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में इधर से हमारा आयल होते हुए टैंक को जाने लगता है, तो उस समय इसका स्पीड कंट्रोल होता है। अब हमको रिवर्स जाना, अगर हमको फास्ट बैक जाना तो फास्ट बैक जाते समय फिर जब ये एनर्जाइज हो तो उस समय क्या होगा, आयल हमारा इधर से निकलेगा और इधर से होते हुए इसको ऑपरेट कर देगा। तो ही एक्सप्लेन क्या हुआ है, डीसी बल्ब ए इज शिफ्टेड टू डायरेक्ट फ्लो इनटू द हेड एंड ऑफ सिलेंडर डी, डीसी बल्ब बी इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्प्रिंग ऑफसेट पोजिशन टू परमिट डिस्चार्ज फ्रॉम रॉड एंड ऑफ द सिलेंडर फ्रीली टू टैंक थ्रू बी एंड ए। मतलब जब ये कनेक्ट होता है इधर से होते हुए आएगा, टैंक को जाएगा। फॉर रैपिड एडवांस एट द एंड ऑफ रैपिड एडवांस कैम ऑफ डी कॉन्टैक्ट्स ए लिमिट स्विच टू अलाउ बी टू स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएगा। डिस्चार्ज फ्रॉम रॉड एंड ऑफ डी इज देन मीटर्ड थ्रू फ्लो कंट्रोल। अभी चूंकि नॉर्मल पोजिशन पे आए तो इधर से आयल निकलना बंद, तब इधर से आएगा। अलाउ कंट्रोल सी डिस्चार्ज फ्रॉम रॉड एंड डी देन मीटर्ड थ्रू फ्लो कंट्रोल सी फॉर द फीड स्ट्रोक।
बल्ब ए इज रिवर्स टू डायरेक्ट फ्लो थ्रू चेक वाल्व ई फ्रीली इनटू रॉड ऑफ डी रॉड एंड ऑफ डी फॉर रैपिड रिटर्न। जब रैपिड रिटर्न के लिए तो जैसे ही एनर्जाइज हो तो मैं आयल आके इधर से इधर आके इसको रैपिड ले जाएगा। तो ये हो गया आपको थ्रू डीसी वाल्व। अभी एक तीसरा है रैपिड एडवांस टू फीड यूजिंग ए पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। अब इसमें देखिए एक पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व भी है, ये फिगर है, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। अब ये कैसे काम करता है, जहाँ भी ये सब सर्किट दिखे आप समझिए कि रैपिड एडवांस बिफोर फीड है और रैपिड रिटर्न के लिए। ब्यू सी सोच द ट्रांजिशन मेड विथ ए पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व विच इज बिकॉज ऑफ इट्स लो लीकेज कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज वेयर एक्सट्रीमली एक्यूरेट फीड रेट्स आर रिक्वायर्ड। एक्सट्रीमली एक्यूरेट फीड रेट रिक्वायर होता है वहाँ पे यूज होता है। पायलट प्रेशर टू चेक वाल्व सप्लाइड थ्रू एन ऑफसेट डीसी वाल्व विद द डीसी वाल्व सोलेनॉइड इज एनर्जाइज द चेक वाल्व इज ओपेंड टू अलाउ फ्री फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर रॉड एंड ट्रिपिंग द लिमिट स्विच एट द एंड ऑफ पोजिशन ब्रेक्स द सोलेनॉइड सर्किट एंड बेंड्स द चेक वाल्व पायलट लाइन अलाउिंग द पॉपेट टू सीट। एग्जॉस्ट फ्लो इज देन फोर्स्ड टू पास थ्रू द फ्लो कंट्रोल द चेक वाल्व ओपन्स फॉर फ्री फ्लो टू रिट्रैक्ट द सिलेंडर। इट शुड बी रिमेंबर्ड टू दैट लीकेज पास द सिलेंडर पिस्टन इज ऑल्सो ए फैक्टर विच मस्ट बी कंसिडर्ड इन सच केसेस। ये देखिए अब इसमें अब देखिए तो सर्किट वही है, एक डी सी वाल्व है, पंप है, रिलीफ वाल्व है, चेक वाल्व है। चेक वाल्व में देखिए पायलट गया हुआ है, अलग से पंप बना दीजिए चाहे यहीं से एक लाइन लेके इसके थ्रू दे सकते हैं हम। और एक प्रेशर टेम्परेचर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व है, यहाँ पे एक लिमिट स्विच है, ये कैम लगा हुआ है, तो उसको यहाँ पे एक्समा डीसी वाल्व ए शिफ्टेड टू डायरेक्ट फ्लो इनटू हेड एंड ऑफ द सिलेंडर डी। ठीक है, जैसे शिफ्ट होगा तो यहाँ से हेड जाएगा, फिर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आगे बढ़ना शुरू होगा तो उस समय क्या है, अब आने का रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो जब स्टार्टिंग जब होगा तो उस समय ये भी एनर्जाइज हो जाएगा। जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये एनर्जाइज होगा तो ये पायलट आके इसको खोल कर रखेगा। जब ये खोल कर रखे तो जो आयल इधर से जाएगा वो आयल सीधा इधर से होते हुए ओपन पाथ के थ्रू टैंक में आ जाएगा, तो रैपिड स्पीड में जाएगा उस समय, क्योंकि एनर्जाइज है। लेकिन जैसे ही ये लिमिट स्विच ट्रिप होता है, जब ट्रिप होता है तो ये फिर से सप्लाई ऑफ होके ये इस पोजिशन में आ जाएगा। जो इधर पायलट जा रहा था पायलट टैंक में आ गया, मतलब इधर कोई पायलट नहीं है। तो अभी क्या होगा, जब ये सिलेंडर आगे बढ़ रहा है तो सडनली तो इधर से आयल आना बंद होगा, तो अब आयल जाने का रास्ता क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन के थ्रू आना है, मतलब फ्लो कंट्रोल के थ्रू आना है। तो जो भी सेटिंग करेंगे उस सेटिंग के हिसाब से हमको इसका वो मिल जाएगा, स्पीड मिलेगा, तो हमारा फिट जो मशीनिंग वगैरह करना होगा बराबर होगा। लेकिन जब रिटर्न करते समय क्या होगा, जब से ही ये इस पोजिशन को लेगा तो प्रेशराइज आयल हमारा इधर से होते हुए इधर को जाके इसको पुश कर देगा, और उस समय तो ये टैंक को जाएगा, इधर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो फास्ट हमारा पीछे आ जाएगा। तो वही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्रेंड इसके साथ मैं इसको यहीं पर ख़त्म समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा, आया भी होगा और देखने पर समझ में आ जाएगा। मैं आपसे तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि कुछ भी मैं नया डालूँ आप लोगों को मिल जाए। अभी ये और कंटिन्यू रहेगा, अभी कुछ और सर्किट्स इंडस्ट्रियल सर्किट्स हमको बताने हैं। थैंक यू वेरी